दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। यशोधरा नगर में घातक सड़क दुर्घटना, एक युवक की मौत, वहीं अन्य दो की हालत गंभीर। रविवार 28 अगस्त को करीब शाम 5:30 बजे एक ऑटो चालक ने दोपहिया वाहन पर सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब तीनों बाइक सवार मोहम्मद जीशान उम्र 19 साल, अरसलान रईस बेग उम्र 16 साल और उनके दोस्त सादिक शेख उम्र 18 साल अपने वाहन पर सवार होकर ताजबाग जा रहे थे, पर यशोधरा नगर के चिखली पुलिया में एक अज्ञात ऑटो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों युवक को घायल अवस्था में मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद 18 साल के दोपहिया चालक सादिक शेख को मृत घोषित कर दिया। साथ ही अन्य दो युवकों मोहम्मद जीशान और मोहम्मद जिलानी अंसारी का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक वनदेवी नगर, संगम नगर, नागपुर के रहवासी है। इस मामले में युवक के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के तहत यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ धारा 279, 304A, 338, 337 और IPC की उपधारा 134A और B 177 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं और नई किताबें महंगी लगती हैं, तो आप पुरानी किताबों को खरीदने और बेचने के लिए अब नरेश बुक डेपो, यहां आपको नई और पुरानी सभी किताबें आसानी से मिल सकती है। कॉम्पिटेटिव, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर जैसे अनेक विषयों की किताबें यहां उपलब्ध है। नरेश पुस्तकालय, रामनगर स्क्वायर, पांद्राबोड़ी रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट करें 9823328631 पर।